Hey guys, good morning. Welcome to my YouTube channel once again. And time kya ho raha hai? एक बज रहे हैं दिन के, जस्ट अभी अभी सो के उठ गए हैं और सिर्फ ग्रीन टी पी है मैंने. और मौसम तो आज क्या लाजवाब मौसम हो रहा है, बिकॉज अच्छा मौसम हो रहा है, मॉनसून चल रहा है. ऑफकोर्स अच्छा मौसम ही होना है. एंड आई एम इन माई नाइट सूट ओनली, बट आज कुछ बहुत डिफरेंट कुछ मैं ट्राई करने वाली हूँ. आई डोंट थिंक सो कि मैंने अब तक अपनी कोई भी हेयर केयर रिजाइन मैंने अब तक यूट्यूब पे फॉलो किया है या शेयर किया है रादर कोई भी हेयर केयर रिजाइन, बट आई गेस आज मैं करने वाली हूँ बिकॉज लेट मी शो यू. सो देर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन जिन्होंने अभी अभी अपना एक ब्रांड स्टार्ट किया है फॉर हेयर केयर, ओके, एंड ही हैज सेंड मी फ्यू प्रोडक्ट्स फॉर माई हेयर केयर रिजाइन, एंड दैट इंक्लूड्स अ शैम्पू, अ कंडीशनर एंड अ हेयर सीरम. ओके, नाउ सबसे अच्छी चीज क्या है उन प्रोडक्ट्स की, ऑल द प्रोडक्ट्स आर सल्फेट फ्री एंड पैराबिन फ्री, ठीक है. सेकेंडली द पैकेजिंग इज जस्ट सो गुड, बट मैंने अब तक वो प्रोडक्ट ट्राई नहीं किया है. सो आई एम गोइंग टू गिव यू द ऑनेस्ट रिव्यू, ऑल्सो आई एम गोइंग टू शेयर अ वेरी वेरी लाइव यू नो प्रोसेस थ्रू आउट. आई विल बी वॉशिंग माई हेयर राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड यूजिंग ऑल दोज प्रोडक्ट्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू टू सी द एक्यूरेट रिजल्ट. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, एज यू कैन सी दिस इज द शैम्पू, दिस इज द कंडीशनर एंड दिस इज द हेयर सीरम. नाउ टॉकिंग अबाउट द शैम्पू फर्स्ट, सो द ब्रांड ऑफ द प्रोडक्ट इज सी मॉर्क प्रोफेशनल. दिस इज देयर डेली केयर शैम्पू एंड इट क्लेम्स दैट इट क्लीन्स एंड एक्स्ट्रा शाइन्स, रिपेयर्स प्रोसेस्ड हेयर एंड मेंटेन्स केराटिन ट्रीटमेंट रिजल्ट्स. रिव्यूज भी बहुत अच्छे हैं मैंने, इट्स लाइक नॉट द वेरी फर्स्ट टाइम जो कि मैं खुद से मैं ट्राई करूंगी, इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, बट अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स हैव ऑलरेडी ट्राइड इट एंड दे हैव सजेस्टेड मी टू यूज इट एज वेल. सो दिस इज देयर डेली केयर शैम्पू. कमिंग ऑन टू द कंडीशनर, दिस इज देयर डेली केयर कंडीशनर एंड इट डिलीवर्स सुपीरियर कंडीशनिंग. एक्सक्लूसिव मॉइस्चराइजिंग फॉर्मूला गिव्स perfect smoothness and shines on hair, extend the life of keratin treatment results. So you know guys, the best part about these products are ki agar aapne apne hair mein koi bhi treatment karwaya hai, let's say koi bhi conditioning, koi bhi you know any treatment, keratin, botox, smoothening and any kind of treatment, so you can definitely use these products. They are 100% safe for your hair. Now the last product that I've received is this Sea Mock Argan Oil Hair Serum. Now, argan oil is very helpful for dry and frizzy hair, and it is a serum based on that. The packaging looks so classy. The color itself, you know, represents ki wo kitna zyada shiny and glossy karega aapke baalon ko. So, I guess now it's time to try them out. So, let's try them out. So guys, I am going to use now the CMOC Professional Daily Care Shampoo. And मैंने actually बहुत सारा shampoo already लगा लिया है and you see कि वो lather बहुत ज्यादा ना dissolve हो जाता है आपके बालों में. So I have already used quite a lot of shampoo and you see वो सब आपके बालों में dissolve हो गया है, everything. So this is a very different thing about this product. वरना वो कैसे आपके बालों में झाग 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 से हो जाते हैं ना, इसमें वैसा कुछ नहीं है, बिकॉज सल्फेट नहीं है, पैराबिन नहीं है, नो हार्श केमिकल्स फॉर योर हेयर. सो इट्स 100% सेफ एंड आई माइसेल्फ यूज्ड इट ऑन माय हेयर एंड आई एम यूजिंग सम मोर. एक तो इसकी कंसिस्टेंसी यू कैन सी, इट्स सो जेल लाइक, कितनी ज्यादा, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है. मुझे लग रहा है कि शैम्पू का ही काम कंडीशनर कर रहा है, तो कंडीशनर की तो अलग से जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इतना ज्यादा सॉफ्ट है गाइज, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है. सो लेट मी जस्ट क्विकली नाउ वॉश इट. एंड फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आ रही है मेरे बालों में से ऑलरेडी, सो लेट मी जस्ट वॉश इट एंड कम बैक. सो गाइज, आई हैव ऑलरेडी वॉश्ड माई हेयर फ्रॉम द शैम्पू एंड माई हेयर फील्स सो गुड, ऑनेस्टली सो गुड. Now the second step is going to be to use the conditioner. So let's use the conditioner. So guys, for the second step, which is the conditioner by CMOK, I am using the conditioner. Let me just open the bottle right in front of you.
So here is the bottle I just opened, and let's see now how is the conditioner. Oh my god, just look at the conditioner's color. Yeah, I have never seen a blue conditioner ever. Maine kabhi bhi blue conditioner nahi use kiya hai na dekha hai. Fragrance to ekdam rich argan oil ki jo fragrance hoti hai na, ekdam rich argan ki waisi fragrance hai. Application bahut smooth lag rahi hai, bahut zyada smooth. Matlab kya hi product hai yaar, ye bahut smooth baal lag rahi hai. Ekdam aisa lag raha hai ki maine koi hair spa cream laga di ho apne baalon pe, honestly. And seriously लगेंगे पूरे ना, मेरे को ज्यादा प्रोडक्ट लगेगा बिकॉज अब जैसे ये 250 ml की बॉटल है, तो ये मेरे बालों में हार्डली 20 डेज चलेगी, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज्यादा प्रोडक्ट यू नो एब्जॉर्ब करते हैं, बहुत 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 ज्यादा. सो हेयर आई एम यूजिंग दिस अगेन सम मोर कंडीशनर, क्योंकि मेरे बालों में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट लगता है, तो मैं इसको और ज्यादा यूज कर रही हूँ. सो गाइज 10 मिनट्स हो चुके हैं मेरे को कंडीशनर लगाए हुए, और अब मैं क्विकली जाके इसको वॉश कर आती हूँ. और उस 10 मिनट्स में मैंने अपना स्किन केयर कर लिया, फेस वॉश कर लिया, सब कुछ कर लिया, जस्ट अब इसको वॉश करना रहता है. सो जस्ट क्विकली लेट्स वॉश इट. सो गाइज आई टुक माई शावर एंड ऑनेस्टली जस्ट लुक एट माई हेयर. मुझे पता है कि कितने ज्यादा इफेक्ट आए मेरे बालों में जस्ट बाय वन वॉश, और इतने ज्यादा सॉफ्ट हो गए हैं, पूरा फील करने से पता चल रहा है सॉफ्ट हो गए हैं कितने ज्यादा. तो अब मैं इसको सिर्फ अप्लाई करूंगी आफ्टर अ वाइल. इसको पहले मैं एक माइक्रोफाइबर हेयर टाल ले रही हूं, और इसी से मैं अपने बाल ऐसे कवर करूंगी ऐसे करके, अपने सारे हेयर इस टाल के अंदर डाल के. ये बहुत ही ज्यादा अच्छा टाल होता है, यू नो इट टेक्स गुड केयर ऑफ योर हेयर. इतना छोटा होता है, एंड ऑल्सो द बेस्ट पार्ट इज दैट यू कैन इजिली, इधर से उधर नहीं होगा. अगर ये इट हैज अ लूप हेयर, इस लूप को आप पीछे, और यहाँ पे पीछे एक बटन है, आपको इस बटन के अंदर इसको सेट कर देना है लाइक दैट, एंड इट्स ऑल गुड. मैं थोड़ा टाइम दूंगी ताकि मेरे हेयर थोड़े से यू नो ड्राई हो जाए, एंड उसके बाद वी विल सी हाउ माई हेयर लुक्स. सो गाइज मैंने अपने बाल वॉश कर लिए हैं, एंड एज यू कैन सी कंडीशनर भी रिमूव कर लिया है बालों में से, अच्छी तरीके से वॉश कर लिए हैं. और अब मैं अपने बालों पे अप्लाई करने वाली हूँ ये सीरम, विच इज द थर्ड स्टेप बाय सी मॉर्क, एंड लेट्स ट्राई इट. सबसे पहले कंसिस्टेंसी, यू कैन सी हाउ रिच आर्गन ऑयल फ्रेग्रेंस, स्मूथ टेक्सचर. और जस्ट इसको पाम लाइक एक थोड़ा सा अपने बालों पे अच्छे से इसको यू नो लगाना है, और उसके बाद जस्ट आई एम गोना अप्लाई इट ऑन माई वेट हेयर. नॉट रियली वेट, बट क्योंकि मैंने टाल लगा लिया था, तो उसकी वजह से मेरा सारा जो वाटर था वो सारा उस टाल ने एब्जॉर्ब कर लिया, एंड नाउ माई हेयर आर लिटिल डैम्प, एंड आई एम अप्लाइंग द सीरम ऑन माई डैम्प हेयर, टेकिंग सम मोर ऑफ इट, बिकॉज एज आई टोल्ड यू बालों को बहुत ज्यादा जरूरत होती है मेरे, स्पेशली किसी भी प्रोडक्ट की, बिकॉज बाल ही इतने ज्यादा है, सो मैं क्या करूं. सो नाउ कम्स द टेस्ट की. सो मेरे बाल बहुत ही ज्यादा फ्रिजी और बहुत ही ज्यादा यू नो टैंगल बाल हैं, जैसे कि ये, एंड नाउ लेट्स ट्राई कि कितने इजीली वो यू नो एक कोम के थ्रू यू नो हो जाते हैं, कोम हो जाते हैं विदाउट डैमेजिंग माय हेयर. सो लेट मी ट्राई. सो आई एम टेकिंग दिस ब्रश, एनी ब्रश यू कैन टेक फॉर दैट मैटर, एंड माय गॉड, इन जस्ट वन कोम्ब आई स्वेयर मेरे कभी भी एवर एक बारी में बिल्कुल भी हेयर कोम नहीं हुए. वो बहुत ज्यादा अनटैंगल हो जाते हैं, मुझे हेयर फॉल भी होता है, बट अगर मैं अभी की बात करूं तो बहुत ही ज्यादा इजिली मेरे बाल कोम हो रहे हैं इन जस्ट वन स्ट्रोक ऑफ ब्रश. एज यू कैन सी, माय गॉड, आई एम जस्ट सो इम्प्रेस्ड विद दिस प्रोडक्ट, एंड हेयर फॉल नॉट दैट मच. सी गॉड,
सो गुड। अब मैं अच्छे से अपने पूरे बालों को कोम करती हूँ। सो गाइज, मैंने अपने पूरे के पूरे बाल कोम कर लिए हैं। अब वो मैं बिल्कुल भी हेयर ड्रायर का यूज़ नहीं करती हूँ। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो मतलब आई नो कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा मेरे बालों को सूखने में आज, बट मैं फिर भी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी। सो आई एम एंडिंग माई व्लॉग हेयर। मैंने आपको आपके सामने एक एक चीज़ ट्राई की है एंड आई शोड यू द ऑनेस्ट रिव्यू। आई होप यू लाइक दैट, एंड इफ यू वॉन्ट मोर सच वीडियोज ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, let me know in the comment section and I will definitely gonna make it. So I'll see you all in my next YouTube video. Until then, bye bye.